जब पेड़ में हरे पत्ते आते हैं, बस हरे पत्ते निकलने लगे ना, जैसे जरा सब दिखा, चाहे एक पत्ता भी दिखा आपको, जैसे ऐसे नजर मारेंगे आपकी, हाँ कुछ लगा निकलने ना, उसी टाइम आपने आधा किलो यूरिया जो है वो तौलिए में डाल देना है। उसके बाद आधा किलो यूरिया जो है वो आपने डालना है जब पौधे में फूल आते हैं। फूल आने पर आधा किलो यूरिया आपने डालना है। फूलने के बाद कि लाल कली पे? नहीं नहीं, लाल कली पे नहीं, फूलने के बाद। फिर फूल गए तब आपने वो डालना है। एक महीने बाद ठीक हो गया। अब यूरिया जो है, लिखिए समझे आपने ना, यूरिया जो है ये खाद थोड़ा सा ऐसा है कि एसिडिटी करती है। अगर हम लगातार हर साल यूरिया डाल रहे हैं तो ये मिट्टी का पीएच जो है वो कम कर देती है, इसलिए अदरवाइज जो यूरिया है वो बहुत अच्छी खाद है, उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, बस ये है कि थोड़ा सा वो पीएच कम करती है। तो आपने जब भी यूरिया लगाना है तो साथ में आपने थोड़ा सा चूना भी लगा देना है। जब भी आप यूरिया लगाएंगे तो आपने थोड़ा सा चूना लगा देना। एक नाइट्रोजन की और खाद है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो मिट्टी में लगाने वाली खाद नहीं है, वो स्प्रे वाली खाद है। जैसे कह रहे थे कि जहाँ पानी की कमी है वहाँ क्या करेंगे, अब यूरिया अगर पानी चाहिए नहीं तो बिना पानी नहीं चलता। तो जहाँ पे पानी की कमी है, आपको पानी नहीं मिलना टाइम से, वहाँ पे आप यूरिया मिट्टी में ना लगाने के बजाय कैल्शियम नाइट्रेट के स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी पानी की किल्लत है, पानी नहीं मिलता है उस टाइम पे आपको, तो यूरिया मत लगाना, फिर आप कैल्शियम नाइट्रेट के स्प्रे करना। कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो 400 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है आपने। 400 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट 200 ग्राम 200 लीटर पानी में